अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी नूडल्स पकौड़ों की। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें यहाँ पे चाहिए वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। उसमें सबसे पहले मैं आधा बंद गोभी का फूल इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने। दो नूडल्स के पैकेट तेज़ मसाले के साथ बॉयल कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च लंबाई में कट की हुई, एक मीडियम साइज़ की प्याज, 6 अदद हरी मिर्च, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया। स्पाइसेस हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून नमक। हसबे जायका आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 कप बेसन और हसबे ज़रूरत पानी। सबसे पहले बेसन में हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स, नमक, बेकिंग पाउडर और सुरख मिर्च पाउडर। हाथ की मदद से इसे पहले मैं मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार कर लेंगे पहले, ताकि बाद में हमें सब्जियां जब हम ऐड करें तो मिक्स करने में आसानी हो जाए। गाढ़ा सा बैटर हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साथ ही हम इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम इसके अंदर नूडल्स ऐड कर देंगे, साथ ही सिरका और सोया सॉस। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम पैन में ऑयल गरम कर लेंगे अच्छी तरह। पहले नॉनस्टिक पैन में मैंने ऑयल ऐड किया था, ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं हाथ की मदद से ही इसमें बैटर ऐड कर दूंगी। बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। एक साइड से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। फ्लेम इसके नीचे मैंने मीडियम टू लो ही ऑन की हुई है। 2 मिनट मैंने इसे दिए थे, अब हम इसकी साइड चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें, एक साइड से इसका कलर चेंज हो गया है और इसी तरह सारे पकौड़ों की हम साइड चेंज कर देंगे और उसे भी हम इतना ही टाइम दे देंगे। बस साथ साथ चेक करते जाएं कि ये हमारे पकौड़े जल ना जाएं और ना ही इनका टेस्ट ख़राब हो। इस तरह दोनों साइडें हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह बाकी बैटर के भी हम पकौड़े तैयार कर लेंगे। मज़ेदार नूडल्स पकौड़ों की रेसिपी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ।
आप इन पकौड़ों के साथ रायता, चटनी, केचप, मेयोनीज जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।